Hello friends, welcome back to our channel Iconic English. Today's topic is noun. Noun हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन noun के अंदर कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो बड़े होने तक बहुत ज़्यादा disturb करती हैं. तो हम basic से शुरू करते हैं noun के बारे में. Noun क्या होते हैं, इनके क्या types होते हैं और इनके हम use कैसे करते हैं, ठीक है. Noun, सबसे पहले अगर हम noun का meaning देखें तो द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, आइडियाज, एक्सप्रेशन, फीलिंग या फिर कोई स्टेट, ठीक है. Noun किसी भी चीज़ का नाम होता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई एक्सप्रेशन हो, कोई आइडिया हो या कोई स्टेट हो, ठीक है. ये सब हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे कि ये कैसे कैसे अप्लाई होते हैं. फ़िलहाल हम ये देखते हैं. जैसे देखिए, राम है, कोई नाम है, शीतल है, टाइगर है, पेन है, ताजमहल है, ठीक है. ये सब क्या है, नाम है. किसी भी चीज़ का नाम अगर हमने दिया हुआ है तो वो क्या हो गया हमारा, ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है. नाउन के अगर टाइप्स की बात हम करें तो इसके बेसिकली चार टाइप्स होते हैं. वैसे तो और भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि एक अलग केस में आते हैं, लेकिन हम बात करते हैं मेन टाइप्स की, जो कि हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है. प्रॉपर नाउन आर दोज नाउन विच स्पेसिफाई द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया. टेबल, चेयर, रितिका, सौरभ, दिल्ली, ठीक है. कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई थिंग है, किसी का जब नाम हम पर्टिकुलरली देते हैं ना, स्पेसिफाई करके हम नाम देते हैं. जैसे कि कोई बुक है, ठीक है, तो हमने अगर उसको बुक नहीं कहा, मान लीजिए कोई एपिक है, हमने बोला कि द रामायण, तो द रामायण जो हो जाएगी वो हमारी प्रॉपर नाउन में आएगी. क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, ठीक है. जब हम पर्टिकुलरली नेम से हम किसी चीज़ को डिनोट करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. अब ऑब्जेक्ट तो हमारे कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? टेबल है, चेयर है, सोफ़ा है, पेन है, पेंसिल है, ठीक है. कलर कोई भी हो सकता है, कौन सा कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट. तो जब हम स्पेसिफाई पर्टिकुलरली किसी का नाम दे देते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है वो, ठीक है. किसी जगह का नाम है, ठीक है, सिटी, सपोज़ सिटी है, तो सिटी तो कोई भी हो सकता है, सिटी भी एक नाम ही है, ठीक है. लेकिन सिटी के अंदर भी हम अगर पर्टिकुलरली किसी का नाम दे दें, जैसे कि दिल्ली, आगरा, मुरादाबाद, ठीक है, नागपुर, तो ये जो है हमारी स्पेसिफाई कर दिया, हमने पर्टिकुलर बता दिया कि ये कौन सा नाम है, तो क्या हो जाता है फिर, ये प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन. अच्छा, कॉमन नाउन में क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये किसी कम्युनिटी को शो करते हैं, कम्युनिटी इन द सेंस उनकी क्लास को, जैसे कि गर्ल है, बॉय है, ठीक है, सिटी है, डॉक्टर है, बेबी है. हमने पर्टिकुलर इनका नाम नहीं दिया है, ठीक है, कि बेबी है तो कौन सा वाला बेबी है, गर्ल है तो जी शीतल ही है, राधिका ही है, नहीं, बॉय है तो राजेश और सुरेश ही है, ऐसा कुछ नहीं है. सिटी है तो आगरा या दिल्ली है, जो इनका पूरा क्लास है, जैसे कि सिटी, गर्ल, बॉय, डॉक्टर, है ना. एनिमल, एनिमल भी हमारा एक नाउन है, ठीक है. एनिमल कौन सा वाला एनिमल है, तो ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है. अब स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये हमारा कॉमन नाउन. इनके आज हमने दो ही टाइप्स के बारे में बात किया. जो बचे हुए दो टाइप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं हमारे कॉमन चीज़ों से, तो उनके बारे में हम पार्ट टू में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि ये कैसे कॉम्पिटिटिव लेवल में इसमें क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो बेसिक्स भी हैं वो भी हम सीख ही रहे हैं, तो स्कूल के स्टूडेंट्स भी इन पर ध्यान दे सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है. हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. Thank you everyone for watching this video. Keep supporting guys for more such videos. And if you like this video, hit the like button, comment your feedback and share as much as possible. Keep learning. Thank you so much.